हमें जो महार चमार के भेद है उसको मिटाना, नंबर वन, ठीक है। और बाकी लोगों को अपने में इन्वॉल्व करना, एसिमिलेट करना, ठीक है। अब एज ए बुद्धिस्ट क्या हम इस दिशा में यदि काम कर रहे हैं तो मुझे बताइए क्या काम कर रहे हैं। हालांकि मैं उसी को पहले प्रपोजल करने वाला था स्लाइड को, लेकिन वो शायद दूसरे किसी पीपीटी में होगी, नजर आएगी हमें जब हम बात करेंगे तब। लेकिन शुरुआत में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि देखिए हम एज ए बुद्धिस्ट यहाँ है, ठीक है, लेकिन हम कौन है ये आपको पता है जी। तो ये तो बात बनेगी नहीं, मतलब मैं सबको जय हिंद कहता हूँ लेकिन मैं एंटी भीम का काम कर रहा हूँ, इजंट इट? से ऐसे नहीं होना चाहिए। जय हिंद तो मैं चिल्ला के कह दूँ, माइक तो है, ठीक है, लेकिन जय भीम चिल्लाने के साथ में मैं यदि एंटी भीम का जो काम नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल मुझे खुद को पूछना है। और इस पर हम बात करें, यदि मतलब इस बात को हम समझ लेते हैं तो शायद हम बड़े ही शांत तरीके से और बड़े ही समझदारी से आगे काम कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा जमावड़ा जो यहाँ है या नागपुर में या बम्बई में है वो हमारा रह जाए, मतलब हम हमारे लोग जो कहते आ रहे हैं, है ना, एक जाति वाले लोग, तो ऐसा ना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि आप कुछ कर रहे हैं तो मुझे आप मतलब चर्चा करेंगे शुरुआत ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस दिशा में आप क्या सोच है? वो कहते हैं कि ये तो भेद हमें मिटा नहीं है, लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को इस प्रभाव में लाना है, ये जिम्मेवारी है। उन बाकी लोगों को प्रभाव में कैसे लाया जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में हमें आज सोचना है, ठीक है। तो दिस इज और क्या किया जा सकता है उसमें हम बात करेंगे। ये ज्यादा ऊपर चला गया, दिक्कत होगी आपको ऐसे देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा लाइट लाइट का एंट्री ज्यादा है ना उसकी वजह से थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा इसको हम। अच्छा अब सही होगा सर, अब ठीक है, आ जाएगा। लाइट कम रहता तो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। इस साइड में सर आ गया है, इस साइड में, इस साइड अब पीछे तक पहुंच जाए, दैट आल्सो गुड बी ग्रेट। थैंक यू, ठीक है, ठीक है, तो बात ठीक है, काम तो चल कर रहा है, राइट चैनल है, ठीक है, सब ले लेते हैं। बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे, बहुत स्पेसिफिक, और इसके दौरान आप सोचना शुरू कर दोगे कि भाई वाकई में हमें इस कॉन्टेक्स्ट में क्या काम करना है। दो इंपॉर्टेंट बातें, किसी को अच्छा लगता है इसलिए कोई बात कहना, ठीक है ना, उसका कोई मतलब इट हैज नॉट नो सिग्निफिकेंस, नो इम्पोर्टेंस। हम कहते हैं ये अच्छा है, ये ठीक है, किसी के ठीक है अच्छा है कहने से कोई बात अच्छी नहीं हो जाती। और इसीलिए साइंस जो होता है ना, साइंस के कुछ अपनी अलग तरीके होते हैं, अपना सिस्टम होता है, और साइंस के हिसाब से चलने वाली बात जो बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि जब बुद्धिस्ट लोग हैं तो साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे। अब हमारे एक इसको कहेंगे हम हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस होता है साइंस में, हाइपोथेसिस कोई भी साइंस हो, आपका आर्ट मतलब सोशल साइंस हो या इवन बायोलॉजिकल साइंस हो या और कोई साइंस हो, तो वहां एक होता है हाइपोथेसिस और उस पर आपको काम करना होता है। मतलब ये हाइपोथेसिस देखिए, धर्म और अधर्म समान समानांतर सुख चैन से जी सकते हैं, इस इज हाइपोथेसिस। आज का हमारा ये हाइपोथेसिस है, आज हम इसमें बात करेंगे। अब इसका उत्तर देना है, मतलब इसको टेस्ट करना है, टेस्ट तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या लगता है इसके बारे में उत्तर। धर्म और अधर्म में ये बहुत मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं कह रहा हूं, बहुत सीधी सादी बात है, बहुत सिंपल तरीके से हम बात कर रहे हैं। धर्म आप जानते हैं, उसके साथ में आप अधर्म भी जानते हैं, नहीं जानते तो बात करें। अधर्म यानी क्या होता है, बहुत सिंपल, मतलब ज्यादा फिलोसॉफिकल तरीके से हम यहां बात नहीं करें। हाँ जो धर्म नहीं है, बहुत सिंपल। अच्छा फिर धर्म यानी क्या होता है, राइटियसनेस। राइटियसनेस मतलब जो दो आदमी आदमी की तरह बात करें, ये नहीं कि भाई मैं वो हूं और आप वो, उस तरह से नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज धर्म, उसको हिंदी में धर्म कहेंगे और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो रिलीजन कहेंगे। तो क्या धर्म और अधर्म समानांतर मतलब पैरेलल सुख चैन से जी सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, इसको टेस्ट करेंगे हम? नहीं। क्या लगता है जी सर, धर्म और अधर्म
साथ में चलना और सुख चैन से चलना दो अलग बातें होती है। सुख चैन से जी सकते हैं या नहीं? अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में बाकी लोग जो भी कहें, अब बाबा साहब क्या कहते हैं ये बहुत समझना बहुत जरूरी, मतलब कहते कहते इन द सेंस इस हाइपोथेसिस को बाबा साहब ने थेसिस में कैसे बदल दिया और क्या थेसिस, बाबा साहब की थेसिस क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। अब देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर, अब देखिए हम गांव के लोग हैं और यहां देखिए जड़ देखिए इसकी कौन सा चीज, पेड़ जल्दी उखड़ जाएगा और क्यों, कौन सा पेड़ जल्दी उखड़ जाएगा और क्यों, ये वाला उखड़ जाएगा बिकॉज़ वहां हम कैसे इकट्ठा हो रहे हैं एज ए सोशल गैदरिंग,
तो उसमें ये भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, उसमें बहुत भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कौन, हम इसको ये पिक्चर नीचे क्यों है, ये आइडेंटिटी हमारी यहां तक कैसे रिसाव हुआ है उसका ये समझने का प्रयास करता हूं। इट इज नॉट राइट और रॉन्ग, चूंकि मुझमें वो फीलिंग है आई एम ग्रेट शमन, है ना। तो ऑब्वियसली है जब मैं बुद्धिस्ट बनने के बाद में मैं तो बोलूंगा कि मैं यार पहले था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बुद्धिस्ट बनने के बाद में ग्रेट ना तो चमार रह सकता हूं, ना महा रह सकता हूं, ना बासी रह सकता हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं। लेकिन मेरे दिमाग में ये जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स धीरे 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 परमानेंट हो रही है। इसलिए बुद्धिस्ट होने के बाद भी मैं चाहता हूं कि तो यार इस बैच में बाबा साहब की फोटो नहीं है, बात नहीं चल रही, दिस इज व्हाट वो फीलिंग आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां बाबा साहब को चिपका दिया। ये तो मेरा मतलब क्या कहें कि इमोशनल वाली बात है कि मैंने चिपका दिया, मुझे मैं जानता नहीं था कि वो सही है गलत है, लेकिन मैं बाबा साहब चूंकि मैं जैविक वाला हूं तो मैं वो फीलिंग आई जाती है तो आ गया। इसी को समझना है, इसी को समझने का प्रयास करना है। हाँ, जो भी बात कर रहे थे कि वो समानांतर रूप से साथ में सुख चैन से जी सकते हैं, धम्म में आधम तरीके से धम्म जिसको सपोर्ट्स लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो प्रकृति के सिद्धांत को मानता है उसके अनुरूप चलता है उसको कहते हैं धम्म, उसको आप हिंदी में धर्म कह सकते हो। बहुत अब फास्ट ये नई बैटरीज है तो जैसे नई ऊर्जा होती है ना नौजवान, तो ये वैसा ही फ्रेश इसको इस्तेमाल करते थोड़ा ज्यादा जल्दी भाग रहा है पास। हाँ, तो लॉ ऑफ नेचर इज धर्म या धम्मा, ठीक है, जो प्रकृति के सिद्धांत उसको कहते हैं सीधी सीधी भाषा, प्रकृति के सिद्धांत मतलब धम्म, हिंदी में धर्म। अब सद्धम यानी क्या, सद्धम यानी जो सपोर्ट करता है लाभ देशर को, मतलब प्रकृति के सिद्धांत को सपोर्ट करने वाला सद्धम या सद्धर्म। अब एक वर्ड है अधम भी, अब अधम मीन्स द वन विच गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मतलब जो प्रकृति के सिद्धांत के अगेंस्ट जाता है उसको कहते हैं अधम। बहुत सिंपल, इसमें बहुत मतलब ज्यादा फिलोसॉफिकल वाली कोई बात नहीं। अब द वन विच गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ये कई सारे रिलीजन हो सकते हैं लेकिन तब भी हम इनको आज की तारीख में क्या सभी को आप अधम कहोगे, ये सवाल है। आज सभी को पता है कि बदरा नहीं, मतलब ये जो रिलीजन है उनमें देना मेनी थिंग्स विच गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के सिद्धांत के विरोध में कई सारी बातें हैं, लेकिन तब भी हम इनमें से सभी की बात क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर आगे देखने का प्रयास करेंगे। ये किसने पेंटिंग निकाला होगा, मैं व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा हूं आपको, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये बुद्धिस्ट व्यक्ति होगा या एंटी बुद्धिस्ट होगा, ये जो पेंटिंग जिसने निकाला और आपको दे दिया उसने, मतलब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अभी है, उपलब्ध है, आप देख सकते हो। सीधे सीधे भाषा, हाँ मतलब दैट आल्सो यू कैन से ये बौद्ध व्यक्ति होगा या इवन उसको हिंदू कह सकते या एंटी बुद्धिस्ट व्यक्ति होगा, समझने का प्रयास करें, कौन हो सकता है, अंदाज लगा सकते हैं। देखिए वैसे ही बुद्धा पैर के नीचे वो गलत है बस, दैट्स ऑल। तो इमीडिएटली हमारे मन में फीलिंग क्या आ गया, ये तो आदमी वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, एंटी बुद्धिस्ट होगा, ठीक है। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों, ये इसके माध्यम से क्या बताना चाहता है, इसके माध्यम से बताना चाहता है बाबा साहब, ये जो आदमी ये आर्टिस्ट बताना चाहता है बाबा साहब ने जो बात कही है कि हम तो वो किताब है दस पॉइंट द बुद्ध एंड द धम्मा किताब है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको इसको समझना जरूरी है। उसको मतलब वो कहते हैं कि इसके साथ आपको क्रांति और प्रतिक्रांति समझनी पड़ेगी, जो किताब मैंने लिखी, मैंने मतलब बाबा साहब ने लिखी, वो कहते हैं कि भाई इसको समझना है बुद्धा को
उसको समझना पड़ेगा, पेंटर की भाषा में। ये जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट की भाषा में क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि भाई बुद्धा को समझना है तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि क्रांति और प्रतिक्रांति के दौरान क्या हो रहा है। यदि हम ये नहीं समझ पाएंगे तो बुद्धिज्म नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, इस बात को आप मास भी नहीं बता सकते, मास इस बात को क्या समझेगा, वो सीधी सीधी भाषा में जाना चाहते क्या करना क्या नहीं करना जरूरी, लेकिन हमें सिर्फ वहीं तक सीमित रहना। अच्छा बताइए क्यों ऐसा किया होगा उसने आर्टिस्ट ने, सेम थिंग जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड कि उसने बताने का प्रयास किया कि क्रांति की और प्रतिक्रांति के दौरान क्या हुआ। इसीलिए अब आप कहते हैं कि केवल तत्व ज्ञान से व्यवस्था का निर्माण नहीं होता, क्योंकि उसके लिए प्रथम भौतिक परिस्थिति बदलनी जरूरी होती है। इसलिए अच्छा वो अपना काम करते हैं, वो धर्म वाले, मैं मेरा काम करता हूं, ये विचार एंटी बुद्धिस्ट या एंटी अंबेडकर या एंटी जैविन सिद्ध हो सकता है। इसको समझने का प्रयास करना है, वो अपना काम करेंगे भाई, मैं उसमें मतलब दिमाग लगा और मैं एज ए बुद्धिस्ट मेरा काम करता हूं। नो, दिस यू कैन नॉट से, ये आप नहीं कह सकते ऐसा। अब देखिए शब्द में यानी क्या होता है, बाबा साहब की किताब को समझने का प्रयास करेंगे तो बुद्ध एंड धम्मा, सद्धम्मा का मतलब देखिए मेरे मन को शुद्ध करना, फाइन ये तो बस अच्छी बात है, लेकिन ये है इसको कहते हैं धम्म का पालन करना, दिस इज वन एस्पेक्ट। लेकिन दूसरा फंक्शन देखिए सद्धम्मा का, दूसरा कार्य देखिए अच्छे चरित्र का, मतलब नीतिमत्ता का राज स्थापित करना, ये उसी किताब में है। अब उन्होंने इस बात को नहीं लिखा, ये इसको कहा लिखा है, इसको लिखा है जब हम आप बात कर रहे थे कुछ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वगैरह की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करेंगे तब हम इसको समझ में आता है। उस किताब का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, लेकिन उसका टाइटल क्या होना चाहिए था बताइए, यदि आपने पढ़ी है किताब तो। बाबा साहब ने पूरी किताब में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बजाय जो बात कही है वो है एनिहिलेशन ऑफ